Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Zenzi Studies. So today we are going to solve 10 important questions of chapter Rational Numbers. So here is first question, and the first question is that there are 4 prime numbers written in ascending order. The product of first 3 is 385 and that of last 3 is 1001. द लास्ट नंबर इज, हमें यहाँ पे लास्ट नंबर फाइंड आउट करना है. फर्स्ट जो 3 नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है? 385 है. और जो लास्ट 3 प्राइम नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है? 1001 है. द प्राइम नंबर्स भी, लेट द प्राइम नंबर्स बी ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी, यानी कि ए बी सी डी बी द प्राइम नंबर्स विच आर इन असेंडिंग ऑर्डर. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? फर्स्ट 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना है, प्रोडक्ट कितना है? 385. तो फर्स्ट 3 कौन से हुए? यहाँ पर ए बी सी आर द फर्स्ट 3. सो यानी कि हमें गिवन है ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू 385. दिस इज गिवन. एंड लास्ट 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 1001 है. So it is given here B into C into D equals to 1001. Now question here, हमें क्या find out करना है? Last number कैसे find out करना है? तो अभी आप confusion में होंगे, हम कैसे कर सकते हैं? बहुत easy है, बहुत easy तरीके से हम इसे कर सकते हैं. So हम क्या कर देंगे, इसको इससे divide कर देंगे, यानी कि A upon A B C upon B C D इज इक्वल्स टू 385 अपॉन 1001. हम यहाँ से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम क्या कर देंगे? मिनिमाइज कर देंगे. तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, किससे करेंगे भाई? 7 से. तो जब हम इसे 7 से मिनिमाइज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 75 times 35 एंड 75 times 35 अपॉन. और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 143. हमें क्या मिल जाएगा? 143 हमें यहाँ पे मिल जाएगा. सो वी विल गेट हियर ए अपॉन डी इज इक्वल्स टू 55 अपॉन 143. अभी हम इसको 11 से मिनिमाइज कर सकते हैं. 11 5 times 11 1 11 11 3 33. सो वी गेट हियर ए अपॉन डी इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 13. तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? ए इज 5 एंड डी इज 13. तो यही हो गया हमारा लास्ट नंबर. डी इज लास्ट नंबर, सो दैट्स वाई डी इज इक्वल्स टू 13 एंड दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है. तो इवेल्युएट करना है हमें इस गिवन एक्सप्रेशन को. यहाँ पर एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है? इवेल्युएट करना है. तो बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे कर सकते हैं. वी विल राइट हियर. सो 8 माइनस, अकॉर्डिंग टू बॉडमस रूल फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में भी फर्स्ट हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. सो वी राइट हियर 5 माइनस माइनस 3 प्लस 2 वी गेट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन. तो यहाँ पर मॉडुलस है, तो वी गेट हियर मॉड ऑफ 5 माइनस 3 2 माइनस, एंड हियर 5 माइनस 8 इज मॉड ऑफ माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय 3. सो वी विल गेट हियर 8 माइनस 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 2 अपॉन मॉड ऑफ 2 मीन्स 2 एंड माइनस मॉड ऑफ 3 मीन्स 3 इज डिवाइडेड बाय 3. ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? वी राइट हियर 8 माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2 माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय 3. वी गेट हियर 1. इन नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट 8 माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय 2. हम क्या कर रहे हैं? 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देन वी विल गेट हियर 3 अपॉन 2 माइनस 1 1. सो दैट मीन्स वी गेट हियर 5 अपॉन 1. देन द आंसर इज 5. हमारा आंसर क्या आ गया? 5 आ गया. फटाफट से ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. सो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/2. एक स्टूडेंट है, उसको बोला गया कि आप एक नंबर पे 3/2 मल्टीप्लाई करिए, बट इंस्टेड ही डिवाइडेड द नंबर बाय 3/2. जबकि मल्टीप्लाई करने की जगह पर उस स्टूडेंट ने डिवाइड कर दिया नंबर को 3/2 से एंड ऑप्टेंड अ नंबर स्मॉलर बाय 2/3. तो उसको जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर ऑप्टेंड हुआ वो कितना लेस हुआ? 3 बाय
टू बाय थ्री लेस हुआ है। सो फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम लेट करेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स। नंबर एक्स है, स्टूडेंट को करना था मल्टीप्लिकेशन, उसने क्या कर दिया है, डिवीजन कर दिया। तो चलिए भाई हम भी यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। अभी डिवाइड तो कर दिया है, लेकिन जो उसको नंबर ऑब्टेन हुआ है वो कितना ऑब्टेन हुआ है, अगर वो उस नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई करता, किससे मल्टीप्लाई करता, 3/2 से मल्टीप्लाई करता, तो उसमें से 2/3 को मैं माइनस कर देंगे, तो उसके इक्वल में वो नंबर उसे मिला है डिवाइड करने के बाद। अभी हमें इसे सिंप्लीफाई कर लेना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। सो वी कैन राइट हियर x मल्टीप्लाई विद 2/3 इज इक्वल्स टू 3x/2 माइनस 2/3। सो दिस कैन बी रिटन एज 2x/3 इज इक्वल्स टू 3x/2 माइनस 2/3। सो सिंपली वी कैन राइट हियर 2x को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे और 2/3 को लेफ्ट हैंड साइड पे। सो इधर नेगेटिव 2/3 है तो इट विल बी पॉजिटिव। सो वी राइट हियर 3x/2 और ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये इधर हो जाएगा नेगेटिव 2x/3। सो वी कैन राइट इन दिस वे, सो 3x/2 माइनस 2x/3 इज इक्वल्स टू 2/3। So we will take here LCM, the LCM of 2 and 3. The LCM of 2 and 3 is 6. We write here 6. So 2, 3 times 6, 3 into 3x. We get 9x minus 3, 2 times 6. We get 2, 2 multiply with 2x. We get here 4x is equals to 2/3. So 9x minus 4x. So 9x minus 4x, we get 5x/6 is equals to 2/3. So 3, 2 times 6. So we get here 5x is equals to 2 into 2. We shift this to the right hand side. So that means 5x is equals to 4. So x equals to 4/5. And this is the required answer. यही हमारा क्या हो गया? Required answer हो गया. बढ़ते हैं next question की तरफ. So हमारा अगला question है question number 4. Find the product of, और एक series दी हुई है, इसका हमें product find out करना है. क्वेश्चन देखकर ही आप सोच कर रहे होंगे कि अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, तो टेंशन नहीं लेना है, हम है ना सॉल्यूशन के लिए, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। सो हियर 2 - 1/3 है, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेकर इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। सो वी टेक 3 एलसीएम, तो वी गेट हियर 6 - 1, राइट, एंड यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 5, सो 10 - 3, एंड यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 7, सो वी गेट हियर 14 - 5, एंड इट गोज ऑन, और इधर एलसीएम हो जाएगा 99, सो वी गेट हियर 2 9 times 18 2 9 times 18 1 19 - 97, क्लियर। सो हमें क्या मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप, 5/3 मल्टीप्लाई विद 7/5 मल्टीप्लाई विद 9/7 मल्टीप्लाई विद, अब ये सीक्वेंस चलता रहेगा, देन वी विल गेट हियर 101, क्या मिल जाएगा हमें 97 - 98, यस 101/99। अभी आप ध्यान से देखिए, ये पूरा सीक्वेंस चल रहा है 5/3 7/5 9/7, क्लियर, डिनोमिनेटर से ये क्या है 2 ग्रेटर है, हर बार देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 101 से 2 माइनस कर देंगे हर एक से, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 99/97। अभी यहाँ से देखिए सारी चीज़ें कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर ये 97 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर पे 101 रहेगा और डिनोमिनेटर पे हमें क्या मिलेगा डिनोमिनेटर पे हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर पे हमें सिर्फ 3 बचेगा, तो इस वजह से यही हमारा आंसर हो गया 101/3, कितना अच्छा। सो हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड करना है, यहाँ पर कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स दिए हुए हैं और उनका हमें सम फाइंड आउट करना है, तो इसको सम कैसे करेंगे, आप लोग अभी सोच रहे होंगे, डायरेक्टली आपके दिमाग में आ रहा होगा सबको प्लस कर दो और आपका आंसर मिल जाएगा,
सो नहीं, इसको हम कैसे करेंगे कि पहले ये जितने भी हमारे ये 0.2 बार है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे कर सकते हैं रैशनल नंबर पे? सो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 है तो आप 2 लिखिए, अपॉन कौन सी डिजिट है, ये 10th डिजिट होती है ना, डेसिमल के बाद जस्ट जो डिजिट आती है उसे हम 10th डिजिट बोलते हैं। सो वी राइट हियर 10 पर माइनस 1 कर दो, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर 3 upon 10 minus 1, प्लस 4 upon 10 minus 1, प्लस 5 upon 10 minus 1। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, वी गेट हियर 2 upon 9, प्लस 3 upon 9, प्लस 4 upon 9, प्लस 5 upon 9। एंड आफ्टर गेटिंग दिस आप जस्ट ऐड कर दीजिए, तो 3 plus 2 5, प्लस 5 10, प्लस 4 14, 14 upon 9 इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 14 upon 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 45 देन द रिमाइंडर इज 32। अगर कोई नंबर है उसको हमने 45 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 32। इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 देन फाइंड द रिमाइंडर। अगर उसी नंबर को हम 15 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। सो क्वेश्चन देखते ही दिमाग घूम गया होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, बट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ कैसे करना है। अच्छा, खुद से ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। सो नाउ हमें कैसे करना है, तो लेट कर लेते, कोई नंबर है सिंपल, आपने पढ़ा हुआ है ना ये डिविडेंड क्या होता है, इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, आपने ये थ्योरम पढ़ी हुई है, बस इसी की हेल्प से ही मैं इसे कर दूंगा। तो मान लेते हैं कि नंबर कोई n है और जब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 45 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्वेशेंट क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, और रिमाइंडर मिल रहा है हमें 32। अभी हमें क्या बताना है कि अगर हम उसी नंबर को, सेम नंबर को यानी कि n को ही 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना है। तो हमें यहाँ पे 30 plus 2 कैन बी रिटन एज 30 plus 2। तो अब इन दोनों टर्म से हमें 15 को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। सो वी विल टेक कॉमन 15, सो वी गेट हियर 15 3 times 45, सो 3a plus 2 plus 2। तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया। क्लियर? तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो therefore रिमाइंडर इज इक्वल्स टू दिस इज द आंसर। कितना छोटा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन कितना बड़ा रही है, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस मैंने ओलंपियाड एग्जाम्स के होते हैं लाइक IMO और आर्यभट्ट से लिए हुए हैं। ओके, तो आप इनको अच्छे से नोट्स बनाकर अपने पास रखिए, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन न्यूमरल इन नंबर 856973। ओके, यानी कि 856973 में जो 6 है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो नंबर है 856973। तो यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6 एंड 3 जीरोज यानी कि 6000। तो प्लेस वैल्यू कितनी आई, 6000, और फेस वैल्यू तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही होती है। तो फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी इनका हमें अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 6000 minus 6, तो हमें आंसर मिल जाएगा 5994, एंड दिस विल बी द आंसर कि इफ़ एक्स इज टू वाई इज इक्वल्स टू 5 is to 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें रेशियो दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हमें ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन तो करा ही रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, नोट्स बनाते रहिए कंटिन्यूसली। सो हमें गिवन क्या है, x इज टू y इक्वल्स टू 5 is to 2। अभी x इज टू y को हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 5 upon 2। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 5y upon 2। ये हो गई x की वैल्यू। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, 8x plus 9y is to 8x plus 2y।
इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम ये लिख सकते हैं 8x + 9y / 8x + 2y। ऑब्वियसली हम इसको लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो राइट हियर 8 × 5y / 2 + 9y / 8 × 5y / 2 + 2y। सो 2 4 times 8 2 4 times 8, सो वी विल गेट हियर इज इक्वल्स टू 5 4 20y + 9y / 20y + 2y। सो वी विल गेट हियर 20y + 9y = 29y / 22y। सो दैट मीन्स वी विल गेट हियर 29/22, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो क्या होगा, 29:22। क्लियर, एंड दिस विल बी द आंसर। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन में क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है LHS और RHS को बाय टेकिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो व्हाट इज गिवन हियर, मॉड ऑफ x इनटू y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x इनटू मॉड ऑफ y। सो वी टेक हियर फर्स्ट LHS, हम LHS को सेलेक्ट करते हैं, दैट इज मॉड ऑफ x इनटू y। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x हियर, सो x की वैल्यू है -2/3 मल्टीप्लाई विद, एंड द वैल्यू ऑफ y इज -9/8। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस देन वी गेट हियर -2 × -9, सो विच इज 18। ओके, हमें कितना मिल जाएगा, -18/8 3 times 24। क्लियर, 18/ हमें क्या मिल गया, 24। वी कैन रिड्यूस दिस 6 3 times and 6 4 times, सो वी गेट हियर मॉड ऑफ 3/4 विच इज इक्वल्स टू 3/4, हमें क्या मिल जाएगा 3/4। नाउ वी हैव RHS, हमारे पास RHS है विच इज मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y, विच मीन्स मॉड ऑफ -2/3 इंटू मॉड ऑफ -9/8। तो मॉड ऑफ में हाँ एक्चुअल पे ये -2/3 है, तो मॉड यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो वी विल टेक राइट हियर 2/3 मल्टीप्लाई विद 9/8, सो वी कैन रिड्यूस दिस 2 4 times and 3 3 times, सो वी गेट हियर 3/4। सो वी कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सो वी गेट हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो दोनों इक्वल हो गए, सो वी राइट हियर हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ x अपॉन y इक्वल्स टू 6/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² / x² - y²। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, हमें वैल्यू दी हुई है x / y = 6/5। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ से इजीली हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6y/5। अब इस x की वैल्यू को हम वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दैट इज x² + y² / x² - y² तो वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सो विच इज 6y/5 whole square + y² / 6y/5 whole square - y² तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 36y² / 25 + y² / 36y² / 25 - y². सो विच मीन्स हमें यहाँ पर 25 एलसीएम लेकर इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, सो वी विल गेट हियर एलसीएम 25, सो वी गेट हियर 36y² + 25y² ओके अपॉन 36y² - 25y² / 25। तो 25 कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो 36 + 25 5 + 6 11 3 + 2 5 1 6 61y² / 6 - 5 1 11 y² सो y² कैंसिल, सो वी गेट हियर 61/11। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 61/11, एंड दिस इज द आंसर।
ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।